दिन रात अकेली काम करती रहती हो, कोई मेड ही रख लो। वो मुझे मनहूस समझती है, उसे लगता है मेरी शादी के बाद उसका शौहर मरा तो मैं मनहूस हूँ। कब तक सुनूं मैं ये सब, मेरा क्या कसूर है इसमें? अम्मी आपने बचपन से ही हमें ये तरबियत दी कि इंसान का किरदार सबसे अहम होता है, मुझे मनहूस कह कहकर क्या मैं इस घर में मनहूस थी? ग्रिफ्ट ड्रामे में अब कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा। समझ नहीं आ रही अब ये चाहते क्या है। जब मुराद शादी के लिए राजी होता है तो उसके वालदे नहीं होते, अब जब वालदे राजी हो गए हैं तो मुराद नहीं मान रहा। अब मुराद की शादी दिखाने से बेहतर है कि मूसा और बुशरा सबको आकर रूही की हकीकत बता दें। अब मूसा को जब ये बात पता चलेगी कि रूही ने मेरे बच्चे को मुराद का नाम देकर मुराद से शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है, वो सबको आकर बता देगा कि रूही आप लोगों को बेवकूफ बना रही है, ये बच्चा तो मेरा है। रूही ने जो कुछ भी अब तक इस घर में किया सब झूठ की बुनियाद पर किया। घर में चोरी और मुराद पर बच्चे का इल्जाम लगाने के जुर्म में सब रूही को पुलिस के हवाले करवा देंगे। तब रूही को समझ आएगी कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं किया करते। कौन कौन अब रूही को जेल में देखना चाहता है कमेंट के जरिए हमें लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामा प्रोमोज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।